शिव कथा कह रही है। शिवलिंग का निर्माण करा, वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है, और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिवजी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से, 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी सरोवर तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते, शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग, भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त कर, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई, आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिवजी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था।
श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी, चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो यह तो ठीक नहीं होना था, फिर यह ठीक कैसे हो गया? तब देवऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति तुमने श्राप दिया है, पर सवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार, शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया, अब क्रोध पहुंचा। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलबिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना। कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर सर इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दी है, उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए, एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ जाइए उसके मिलने के लिए, देंगे आप बैठो अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर आप, और जब आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित था। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम पहले भी कथा में कहे, कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का समय बुरा होता, थोड़ा सा समय गड़बड़ है तो व्यक्ति गड़बड़, बुरा तुम नहीं हो, बुरा तुम्हारा समय है। अच्छा समय आता है तो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो लोग आपसे दूर हट जाते हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ तो संसार कितना विचित्र है, जरा सोचो तो सही, विचार करिए जरा। जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है कितने मेहमान आते हैं, बोलो रे कानपुर वालों, जरा बोलो, 25, 50, 100, 200 तो आते होंगे, और रिसेप्शन में कितने आते हैं, 100, 200 तो आते होंगे कि नहीं आते हैं, आते हैं ना। और मान लो रिसेप्शन में इतने लोग इकट्ठे हुए, विवाह में इतने लोग इकट्ठे हुए, और उस लड़का लड़की का संबंध आपस में बेकार हो गया और तलाक की बात पहुंच गई, संबंध खराब हो गया, तो इनको संवारने के लिए कितने आते हैं, बोलो जरा बोलो, आएगा कोई? कोई लड्डू खाने सब आए हैं, पकड़ लो, लड्डू खाने सब आए हैं, पेड़ा खाने सब आए, निभाने के लिए सब आए, पर जब बिगड़ती है कोई नहीं आता। जब मनुष्य का बेकार समय चालू होता है, समय चक्र जब उल्टा चलने लगता है, तब
कोई नहीं आता, फिर एक आता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव आता है, फिर कोई नहीं। चंद्रदेव का जब विकार समय आया तब महादेव सामने आकर खड़े हो गए। चंद्रदेव का जब विकार समय आया तब मेरे देव अधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े थे। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा, गुस्सा आ गया, मैंने श्राप दिया और शिव ने संवार दिया। दुनिया चाहे कितना भी बुरा चाहे, अभी आपको शुरू में कथा में कहा था, शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है और मेरा महादेव तुम्हारी झोलियों को भर देता है। मेरा महादेव कभी देने में पीछे नहीं हटता, उसकी कृपा बरसती ही रहती है, खूब देता है। वो देने में पीछे नहीं हटता महाराज। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी सबको बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं? आपको पहले भी कथा में कहा, किसी पोहे की दुकान वाले को देखना, पोहा जो रखता है ना वो ऐसे ही नहीं रखता, गरम पानी के भगोने के ऊपर रखता। क्यों? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। पोहा गरम बना रहे। आप लोगों को बैठकर भजन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का इसलिए कहते हैं जिससे आप बैठकर जब मंत्र का जाप करोगे तो ये निश्चित है आपके जीवन में भी वो बल मिलेगा कि आपका परमात्मा का संबंध जुड़ जाएगा, निश्चित था। थोड़ा आनंद की अनुभूति, शिव सुने आपकी बात, बाबा स्वीकार करे आपकी बात, इसलिए बैठ कर श्री शिवाय। और ऐसा नहीं नमस्तुभ्यम ये पांच बार बोलने के बाद अपने हृदय की बात भी बोलना है आपको बाबा को, इसलिए हम सबकी तरफ से एक साथ बोल देते हैं, भोला सब दुख जरा जम के बोलो, भोला शिव शंकर तेरे माला भोला सब। बहुत बढ़िया, भोला सब दुख काटो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, एक दुख नहीं सब दुख काटो। एक दुख से मतलब नहीं, सब दुख से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शिव कथा कर रहे हैं। सती मैया के पति भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति ने इसलिए अपशब्द कहा क्योंकि उन्होंने चंद्र की काया ठीक कर दी। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, शिव तुम शमशान में निवास करोगे, भगवान शंकर शमशान में रहने के लिए तैयार। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम, सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो भोले जी को भाई मिला। शमशान में रहने का श्राप मिला, शिव जी तो भी खुश हो गए, उठकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे मेरे ससुर ने जो मुझे जगह दी है उस जगह पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाएगा, शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा, मुझे शमशान का वास मिला, ये कोई साधारण जगह नहीं। जहां अमीर और गरीब दोनों की शान सम है उसी का नाम सम शान है, वहां कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ये शिव कृपा, शिव उदारता, उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है,